शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से सांप सूंघ गया है क्या? इतने पसीने क्यों छूट रहे? कुछ हुआ है क्या? अचानक से गर्मी बहुत बढ़ गया ना, इसीलिए। ठीक तो है आज, पता नहीं कहाँ से हो गया। अरे ठीक तो हो तुम? अरे पाँव का दर्द, ठीक है आप? ठीक तो लग रहा है? ठीक है तन्नू। श्रद्धा क्यों नजर नहीं आ रही? श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा कहीं बाहर गई है क्या? कहाँ जाने बिट्टू, हम तो देखे नहीं उसको बहुत देर से। आप सब घर पे थे और आपको नहीं पता श्रद्धा कहाँ है? अरे अभी तो नहीं थी। हम भी तो बाहर ही गए थे, बाजार गए थे टहलने के लिए, अभी तो आए हैं आपके आने से पहले। अब हम बहुत देर से नहीं देखे तो हम सोचे कि वो तुम लोग के साथ गई है बिटुआ। अरे हमारे साथ नहीं थी वो, कहाँ चली गई श्रद्धा? भाभी का फोन तो यही कहीं घर में बज रहा है। भाभी का फोन तो यही है। श्रद्धा का फोन यही घर पर है और वो मिल नहीं रही, कहीं उसके साथ कुछ। क्या हुआ बुआजी, आपने इतना हड़बड़ा के हमें क्यों बुलाया? भाई श्रद्धा गायब है। श्रद्धा गायब हो गई? मतलब? ताऊ जी श्रद्धा का फोन यहाँ टेबल के नीचे मिला है, वो घर पे नहीं और किसी को बता के भी नहीं गई है। दीदी तो बिना बताए कभी नहीं कहीं जाती। अरे तो उसके मायके फोन करके पता तो लगाओ। हाँ हम पूछते हैं। हेलो, हाँ मम्मी, दीदू आई है क्या? नहीं आई है, यहाँ भी नहीं है, फोन भी घर पे छोड़कर गई है। अरे आप परेशान मत हो, अब हम लोग देख लेंगे, शायद मार्केट गई होंगी, वहाँ रखो। वो घर पे नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, कल अलमारी में बंद हो गई थी, आज गायब हो गई। वो अकेली है, मैं क्यों नहीं उसके साथ?
अकेला यार जोड़ू वरुण सर, ये सब करने से वो मिल जाएगी क्या? यार मैं बहुत बुरा पति हूँ यार, क्यों नहीं उसके साथ यार? पता नहीं किस हाल में होगी वो, क्या हो रहा होगा उसको यार, क्या हो रहा होगा यार? मेरे यार से जाओ, शांत हो जाओ, खुद को चोट पहुंचा के क्या होगा? हाँ शांत हो जाएगी सर। ये तो श्रद्धा की चप्पल है। चप्पल की दिशा को ढूंढते हुए श्रद्धा तक पहुंचे भी गया, कछु नहीं कर पाएगा, बल्कि वही चप्पल से खुद को पूरी जिंदगी पीटता रहेगा, क्योंकि कहा है कि फिर तो श्रद्धा उग्रपति के हाथों ही मारी जाएगी ना। पापा मम्मी मैं भी एक बार देख के आता श्रद्धा मिली क्या? श्रद्धा का झुमका मिला इस कमरे के बाहर। मतलब श्रद्धा अंदर ही हो, चल दरवाजा खोलते। श्रद्धा अंदर ही है, क्या क्या करें? हाँ लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए मना कर रही, यानी कुछ खतरा है। क्या करें? चल वहां पे खिड़की पे रखे देखते जल्दी। आराम से
श्रद्धा, हे भगवान, आज मेरे हाथों क्या होने जा रहा था। अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। श्रद्धा, मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए थी, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था तुमसे। मैं बहुत बुरा पति हूँ श्रद्धा। श्रद्धा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा तुमसे। चांद से मार दूंगा उसे जिसने तुम्हारे साथ ये किया। कौन था वो श्रद्धा, बताओ मुझे कौन था, बताओ कौन था। देखा भाई, तू शांत हो, श्रद्धा को बाहर लेके चल, उसे यहाँ घुटन हो रही होगी। चल मेरे भाई, चलो श्रद्धा। लाख लाख शुक्र है, सत्ता मिल गई। दीदू, दीदू आपको तो बहुत चोट आई है। श्रद्धा पे किसी ने हमला किया था, स्टोर रूम में पंखे के साथ रस्सी से लटका दिया था। घुसकर ऐसी हरकत कौन कर सकता है? अरे माता रानी, हमारी बहुरिया का जान बचा दी। अब हम हर मंगलवार निर्जल व्रत रखेंगे बहुरिया की लंबी उम्र के लिए। हाँ, अरे तुम हटो यहाँ से, एक बार काना में तुरंत कीर्ति। अरे बहुरिया, एक बात कान खोल कर सुन, जो हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी सासू माँ। अरे उन्हीं हम लोगों को उन्हें अपनाई थी। अगर हम डूबे ना, तो तन्नू को साथ में लेके डूबे, समझी? इसीलिए सबको यह बोलो कि जो कुछ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार कोनो चोर उचक्का है। श्रद्धा, किसने हमला किया तुम पे? श्रद्धा, बिना डरे उस इंसान का नाम बताओ। तुम्हारी ऋतु बुआ तुम्हारे साथ है, उस इंसान का चेहरा हम नोच लेंगे। बोलो। हाँ दीदू बताओ, हम ना उसे जेल करवाएंगे। नाम तो बताओ आप। वो शायद घर में दो तीन चोर घुस आए थे, जो पैसे और सोना चोरी करने के लिए आए थे। चोर? मैंने मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर उन्होंने मेरे साथ क्या किया। कि क्या है बेटा, थोड़े से पैसों के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल ली। वही तो, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, दो मिनट आएंगी। मम्मी जी, आप सचमुच ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हैं? आपको पता है, इस पायल ने दो बार
लेनी चाहिए। एक बार मुझे अलमारी में बंद करके और दूसरी बार ये हरकत करके। श्रद्धा, लगता है तुम भूल रही हो कि इसी पायल ने हमारी जान बचाई थी। नहीं मम्मी जी, इसने आपकी जान को खतरे में डालकर आपकी जान बचाने का सिर्फ एक नाटक किया था। आप ऐसी लड़की को इस घर में नई जगह देना चाहती हैं, इसीलिए आप मुझे अभय से दूर करना चाहती हैं। पानी रात है। ये लो पानी। अरे बैठ जाओ मम्मी जी। नहीं मम्मी जी, अभय और मैंने सात फेरे लिए, एक साथ सात जन्मों तक जीने का वादा किया है। उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या आपके लिए? श्रद्धा, वो सात फेरे ना हमारी वजह से हुए थे। अरे हमने जबरदस्ती अभय को मंडप में बिठाया था। और तुम होगी जी, कहीं ना कहीं अब आप भी इस बात को मानती है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है। अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या आप भी ये रिश्ता तोड़ देती? हाँ, क्योंकि अगर हम अपने पति को वारिस नहीं दे सकते तो हम उसे उस रिश्ते के बोझ से मुक्त कर देते। लेकिन हमारा रिश्ता बोझ नहीं है मम्मी जी, हमारा प्यार सिर्फ बच्चे तक ही सीमित नहीं है। मम्मी जी, वो अभय ही है जिन्होंने मुझे अपनी किस्मत की लकीरों से लड़ने की ताकत दी। अरे श्रद्धा, लेकिन तुम्हारी किस्मत की लकीरों में एक और लकीर है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते, कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन मम्मी जी, हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना? अरे कब तक इस झूठी उम्मीद पर हम जीते रहेंगे? अरे कब तक हम अपने पोता पोती के सपनों का गला घोटते रहेंगे? श्रद्धा बोलो, कब तक? एक माँ अपना बेटा वापस मांगना चाहती है श्रद्धा, अपने बेटे के हाथ की खुशियां मांगना चाहती। अब इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो श्रद्धा। अब की खुशियों की भीख मांग रहे हैं तुमसे श्रद्धा, भीख मांग रहे हैं तुमसे। लीजिए और अब मांगी जाके पूरे कानपुर में भी। वो श्रद्धा सारा भांडा फोड़ देगी जाके तनुजा आंटी के सामने। अब अपनी भविष्य दिखने लग गया क्या इसमें? अम्मा अम्मा कुछ बताएंगे भी कि क्या करें? बोरिया बिस्तर बांध लो तुम दोनों, और जैसा हम कहेंगे वैसा करो चुपचाप बिना कोनो सवाल जवाब के।
आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। जो हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठते हैं, वो ऐसे झोली फैलाने के लिए नहीं। मम्मी जी, जो जो आप मुझसे मांग रही है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। मम्मी जी, मैं अभय को नहीं छोड़ पाऊंगी। मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा ये। मम्मी जी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। श्रद्धा, तुम ही उसे छोड़ सकती, तुम ही पहला कदम लोगी। आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई चोरों की एक कदम भी इस घर के तरफ रखने की, और अब इस तरह घर की बहू पे हमला। हमें तो लगता है ना, इस चोर वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर चोर आया था तो चोरी क्यों नहीं हुई? ये जो चाची जी के खास मेहमान आए हैं ना, हमें उन पे शक है। वाह कीर्ति, ये तो चमत्कार हो गया। जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे मन की बात सुन ली। क्या मनगढ़ंत बातें कर रही हो? मेहमान है वो तनु जैसी के। और श्रद्धा ने कहा ना कि वो चोरी थे। भैया, आप सबने देखा नहीं कैसे श्रद्धा तनुजा भाभी को लेकर गई? यकीन मानिए, हम बता रहे, तनुजा भाभी कुछ ना कुछ करवा रही है श्रद्धा से। उस कागज पे और हमेशा के इस रिश्ते को खत्म कर दो। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।